हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। सो गाइज, अभी मैं अभी उठ हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और अभी भी मैं निकला हूँ थोड़ी देर पहले घर से। तो मैं थोड़ी सी साइकिल राइड पर जा रहा हूँ आसपास। एक्चुअली आज प्लान था कि शिव मंदिर जाने का, बट वो हो नहीं पाया। तो अभी मैं ये अपना जैतन वाला घंगोड़ा साइड जा रहा हूँ थोड़ा सा साइकिलिंग करने। बाकी अभी मैं खड़ा हूँ 9 नंबर पुल पर, जो कि गढ़ी के एंड से थोड़ा सा ही आगे। तो अभी मैं पुल पर ही खड़ा हूँ और नीचे से यहाँ पर नदी जो जाती है, टपकेश्वर वाली नदी जो है, ये इसमें बहुत पानी आ रहा है इस टाइम पर काफ़ी। ये पुराना वाला ब्रिज है जो यहाँ टूट गया था 9 नंबर पुल, तो तब बनाया था टेम्प्ररी। तो अभी जो नया वाला है वो ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है यहाँ पे। तो ये मेरी साइकिल खड़ी है, तो बस चलते हैं आगे। मैं अभी आया हूँ जैतन वाला, यहाँ पे थोड़ी सी राइड करी। तो अभी बाकी दोस्त आगे राइड करने गया हुआ है। आज प्लान था कि मैं आज जाऊँगा शिव मंदिर, बट जो मेरा दोस्त है रोहन वो अभी यहाँ नहीं है, वो एक्चुअली कल वहाँ चला गया है, वृंदावन चला गया है, तो वो वहीं है आज, तो इसलिए मैं आज जा नहीं पाया। बाकी अभी आज का जो प्लान है, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो चीज़ होती है तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा। बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। अभी इसके बाद मैं बस फटाफट से घर ही जाना हूँ, फिर घर जाके नाश्ता वास्ता करूँगा। तो अभी जो है मैं चल रहा हूँ पैदल, क्योंकि मेरा दोस्त साइकिल लेके आगे गया हुआ है। तो अभी जैसे ही वो आएगा फिर मैं अभी बस उसको छोड़ते हुए यहाँ से, मतलब छोड़ते हुए क्या, साथ साथ जाएंगे वहाँ से, बीच से वो अपने रास्ते चले जाएगा, मैं अपने रास्ते चले जाऊँगा। तो गाइस सनराइज़ हो चुका है, वैसे थोड़ा लेट ही हो गया है। बाकी ये पार्क है छोटा सा, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा पार्क है, इन्होंने अच्छा बना रखा है बहुत इस एरिया में। दोस्त भी आ चुका है तो वो बस अपने घर जा रहा है, और मैं भी अब फटाफट से साइकिल लेके अपने घर निकलता हूँ, घर की तरफ जा रहा हूँ। धूप भी अब काफ़ी हुई निकल गई आज, तो आज वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, क्योंकि मैं एक जगह जाने वाला हूँ, वहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि देहरादून से रिलेटेड है। तो अभी तो मैं साइकिलिंग कर ही रहा हूँ, जा ही रहा हूँ, तो घर जाने के बाद बस रेडी होंगे, उसके बाद जब जाऊँगा तब मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो निकाल तुम सारे निकाल दिए क्या? तो भाई लोग, आज बन रहा है हमारे घर में सैंडविच, और वो बना रहा है मोंटू। तो भाई अब बनाएगा, देखते हैं कैसे बनाता है। बाकी ये मैंने चीज़ मंगा रखी थी क्रीम वाली, ये तो ये यूज़ कर रहे हैं आज, कभी अभी तक खोली नहीं थी, पैक थी, तो ये यूज़ हो रही है। बाकी ब्राउन ब्रेड है, और यहाँ पे खीरा, टमाटर, प्याज नहीं है? प्याज नहीं डालेंगे? प्याज भी डालेंगे। तवा इसने रख दिया है वहाँ पे हीटअप के लिए। भाई गाड़ी चला रहा है आज भी फिर से, क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ पीछे बैठ के। तो जिस जगह हम जा रहे हैं वो जगह है एक्चुअली कलंगा वॉर मेमोरियल, हम जा रहे हैं आज। रीजन ये, दो रीजन है वहाँ जाने के। पहला रीजन ये कि मोंटू ने वो जगह देखी नहीं है, और दूसरा रीजन ये है कि वहाँ पे आज है चिपको आंदोलन, जो कि कुछ रीज़न से हो रहा है, और वो रीज़न मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। तो अभी बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके फटाफट वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि उसका टाइमिंग जो है ना वो 11 बजे से 1 बजे तक है, 2 घंटे का। तो अभी देखते हैं, हम थोड़ा लेट तो पहुँचेंगे, बट देख लेंगे, जो भी होगा थोड़ा बहुत तो दिख ही जाएगा जो भी होगा वहाँ पर। अभी हम लोग पहुँच गए हैं साला वाला, यहाँ से वो जगह थोड़ी दूरी पर, ये ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे होगा 5-6 किलोमीटर का होगा यहाँ से। यार यहाँ पर पेट्रोल भराने आए हम थोड़ा सा, क्योंकि पेट्रोल थोड़ा सा कमी था। तो ये रायपुर वाले रास्ते में हम, तो बस ये भाई पेट्रोल भरा रहा है। तो गाइस जो लोगों को कलंगा का रास्ता पता नहीं है तो मैं बता दूं, ये रायपुर वाली सड़क है, ये पुलिस स्टेशन आता है यहाँ पे, चौकी आती है, चौकी के आगे यहाँ पे ये काली का मंदिर आता है, ये सामने काली का मंदिर है इधर ही, ये वाला, ये काली का मंदिर है। और ये काली के मंदिर के बस जस्ट थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट जो टर्न है पहला, वहाँ से आप लोग सीधा लेफ्ट ले लेंगे अंदर, तो ये वाला रास्ता है जो कलंगा जाता है। आगे से बस हमें एक राइट लेना होता है, मतलब यहाँ से सीधा जाके जहाँ पे एंड होता है रास्ता, वहाँ से एक राइट लेना होता है, बाकी फिर उस रास्ते में चलना होता है पूरा। ये बोर्ड लगा है नाला पानी, इस जगह को नाला पानी कहते हैं वैसे तो। यार बहुत ग्रीनरी है इस तरफ पे, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को, काफ़ी यहाँ तो पेड़ वेड़ बहुत है, तो बहुत ही अच्छा है आगे पे तो। तो भाई ये धारा है, ये मैं एक बार बहुत पहले यहाँ पानी वानी भरने भी आया हूँ। इस खलंगा वाले रास्ते में हम लोग आ चुके हैं, बस अभी यहाँ से थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल है, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा है।
बाकी इसने तो पहली बार देखा था, कैसा लग रहा तेरे को? बहुत अच्छा है यार, व्यू बहुत बढ़िया लगा मुझे। अभी तो यहाँ पे तो क्या है कि आगे तो बहुत ही अच्छा है, और आगे जाएंगे तो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। बाकी थोड़े बहुत लोग जाते हुए दिख तो रहे हैं, शायद वो मुझे लगा कि वो लोग भी शायद उसी में जा रहे होंगे जिसको देखने हम जा रहे हैं। तो भाई लोग यहाँ पे भी यार अपार्टमेंट्स बन गए काफ़ी लग रहा है। बाकी ये जो एरिया है तिब्बतन मॉनेस्ट्री का है पूरा एरिया, ये तिब्बतन लोग भी यहाँ पे, ये अंदर उनकी सोसाइटी है पूरी, यहाँ पे ये अंदर पूरा तिब्बतन लोगों का है। मस्त लग रहा ना? बहुत सही है भाई, हाँ ये तो है। थोड़ा रास्ता है शायद बरसात की वजह से टूट गया है। गाइस यहाँ पे एक चीज़ और है, मतलब बहुत लोगों को पता होगा कि जंगल के इलाकों में ही वो होता है, क्या चीज़ है कि जो मतलब हम सब्जी खाते हैं वो पुटपुटे जो होते हैं ना, वो भी यहाँ पे बहुत निकलते हैं जब बरसात का टाइम होता है। अभी भी मतलब अब तो पता नहीं आए होंगे, आज नहीं आए होंगे, पर बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो पुटपुटे हैं वो ज़मीन से निकलते हैं ना, तो यहाँ पे बहुत लोग आ रहे होते हैं उसको यहाँ से लेने के, इसको यहाँ से ले जाके, कुछ तो घर वाले होते हैं बाकी कुछ मंडी वंडी वाले भी होते हैं जो कि यहाँ से ले जाके फिर लोग यहाँ पे फोटोशूट चल रहा है, मे बी ये वेडिंग फोटोशूट हो सकता है। तो गाइस क्या हो गया कि ये लोग जो आ रहे हैं सब चिपको वाले हैं। तो गाइस एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम क्या हो गई है, मतलब एक चीज़ हो गई है कि जिस चीज़ के लिए हम आए थे, मतलब सेकंड रीज़न, पहला रीज़न तो भाई को ये जगह दिखाने का, सेकंड रीज़न जो चिपको आंदोलन है उसके लिए आए थे, बट क्या हो गया कि वो एक रैली चली गई बीच में, शायद वो चिपको आंदोलन की रैली थी, हम एकदम से शूट कर नहीं पाए, मतलब थोड़ा सा मैं उसमें एक जो हल्की सी क्लिप आई है वही आई है। बाकी मैं आपको इस चिपको आंदोलन के बारे में बता देता हूँ ये क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो जो रीज़न है इस चिपको आंदोलन का, जो देहरादून है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पे एक वो पास किया है, यहाँ पे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पास किया है जिसमें 2000 से भी ज़्यादा पेड़ के काटने के लिए इन्होंने बोला है गवर्नमेंट ने, ताकि वो यहाँ से अच्छी अच्छी सड़कें दूर दूर मतलब मसूरी के लिए बाईपास निकाल सकें, और जैसे हमारा जो एयरपोर्ट है जोली ग्रांट एयरपोर्ट, उसको एक्सपेंड करने के लिए भी वहाँ पे जो पेड़ कटिंग हो रही है उसके लिए, इसी ये जो कॉज है इसी वजह से इन लोगों ने चिपको जो ये चिपको आंदोलन रखा है इसी वजह से रखा है। तो इस वजह से इन्होंने ये स्पॉट जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया था कि यहाँ पे आएंगे सब लोग, और यहाँ से वो सब गैदर होके यहाँ से, लेकिन उनको जाना था सहजदारा रोड, सहजदारा रोड में इसलिए जाना था क्योंकि जो ट्रीज़ कट रहे हैं ना 2000 से प्लस जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए, वो सहजदारा रोड वाला जो है एरिया है वो वहाँ के पेड़ काटने के लिए दिया है। तो अभी वो लोग सब वहीं चले गए, बाकी मैं इसलिए नहीं जा पाऊँगा अभी क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा घूमना है, थोड़ा सा भाई को दिखानी है ये खलंगा वॉर मेमोरियल, इसलिए मैं आगे वहाँ तो नहीं जा पाऊँगा। तो मैंने आपको अपडेट दे दी उसके बारे में पूरी, तो यही रीज़न था यहाँ आने का एक सेकंड वाला। बाकी फर्स्ट रीज़न तो अभी है, अभी आगे खलंगा थोड़ा सा और, थोड़ा सा वॉर मेमोरियल, तो वहाँ तक तो हम जाएंगे। तो पहला रीज़न तो बिल्कुल चल ही रहा है, बाकी सेकंड वाला थोड़ा सा दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, बस मैं दिखाना चाहता था, वो मैं खुद भी देखना चाहता था और दिखाना भी चाहता था वो चीज़, बट दिखा नहीं पाया, तो उसके लिए भी सॉरी यार, क्या करें, किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही या फिर हम थोड़ा लेट हो गए शायद, बट कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया, बता दिया मैंने आपको, बता दिया किस कॉज के लिए ये चिपको आंदोलन है। तो अभी हम लोग फटाफट से बस आगे चलते हैं, रुकना है, चले आगे, आ जा आराम से आ जा। रास्ता यार यहाँ पे हमें, मेरे को इतनी तो नहीं था कि इतना ज़्यादा ख़राब होगा, हो रखा है। तो यार रास्ता ख़राब है, हमने सोचा गाड़ी यहीं लगाए थे पास में क्योंकि थोड़ा सा ये शायद, तो यार थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं यहाँ से आगे क्योंकि गाड़ी पीछे लगा दी थी, रास्ता थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो रखा है यार, इधर बेकार ही है रिस्क लेना यहाँ पे गाड़ी का, ऊपर से स्कूटी है, छोटे टायर होते हैं तो फिसलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। गाइज ये हमारा देहरादून राजपुर रोड का एरिया, और ये सामने खलंगा वॉर मेमोरियल, ये वॉर मेमोरियल का जो आइकन था ना उस टाइम पे वो है ये। तो गाइज हमारे पीछे ये वॉर मेमोरियल है यहाँ पे, तो बाकी कैसा लग रहा था, बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो ये तो पहली बार आया इसके लिए तो एकदम अलग होगा, मैं ऑलरेडी आया हूँ तो मेरे को मतलब इतना कुछ नया नया सा तो नहीं है, बट हाँ अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल है। आजा थोड़ा सा ऊपर जाके देख लेते हैं कैसे है। मोस्टली लोग जो आते हैं वो इसी के लिए आते हैं, ये वॉर मेमोरियल का जो है, सही है ना, जगह तो अच्छी है। ओके तो गाइस हो गया यहाँ पे खलंगा, हम आए थे देखने के लिए, भाई ने देख लिया, काफ़ी अच्छी लगी मेरे को तो, पसंद है जगह ये, इसको भी बहुत अच्छी लगी है। तो बाकी जो लोग भी आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हो, एकदम मस्त जगह है, खाली एकदम शांत, बस ये क्राउड नहीं है, एकदम नेचर के बीच में है, भाई है जिसको भी आना है, बहुत अच्छी जगह है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एरिया थोड़ा शांत है, तो थोड़ा ग्रुप में आओ तो ज़्यादा बेटर है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कोई मार्केट या फिर ऐसे खाने की शॉप थोड़ा पीछे की तरफ है, इस एरिया में बिल्कुल नहीं है,
तो ये चीज़ अपने साथ या तो लेके आओ कुछ खाने वाने के। बस यहाँ पे आते हो तो मैं देख रहा हूँ वैसे गंदगी इतनी है नहीं, थोड़ी बहुत गंदगी है, बट कोई भी आता है ना कुछ भी चीज़ आप खाने वाने का लेके आते हो उसका कूड़ा वूड़ा आप अपने साथ ही लेके जाओ, क्योंकि इतनी अच्छी जगह को गंदा करना यार बहुत ही बेकार है ना। इतना अच्छा चिपको मूवमेंट कर रहे हैं लोग यहाँ पे, चिपको आंदोलन, तो यार हम लोग को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ तो हेल्प करनी चाहिए अपने देहरादून को बचाने के लिए। एटलीस्ट हम सफाई, साफ़ सफाई तो रख सकते हैं, पेड़ों को नहीं बचा सकते तो साफ़ सफाई तो हम रख ही सकते हैं अपने आसपास। ओके तो गाइस, मतलब हम जो इस काम से आए थे, दो काम से, एक काम तो हो ही गया, दूसरे काम में हम देख नहीं पाए, बट मैंने आपको बता दिया क्या कॉज है वो चिपको आंदोलन का। तो आज की वीडियो को अब मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम घर ही जाने वाले हैं, थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो लेते हैं उसके बाद सीधा घर की तरफ निकलते हैं। बाकी जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं और जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं और हम दोनों की जोड़ी जिनको अच्छी लग रही है, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस वीडियो, ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो तू कुछ बोलना चाहता है हमारी ऑडियंस को? मैं तो गाइस आपसे ये बोलूँगा कि आप इस जगह में आइए, बहुत अच्छी जगह है, नेचर के बीच में है, और सब्सक्राइब कीजिए माई ब्रदर्स चैनल, एंड आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेगी अभी आगे। ओके तो गाइज, अब वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ मैं, अब आपसे मिलता हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।